हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृपाली और आज मैं आपको कॉम्सोल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं कॉम्सोल का 5.2a वर्जन यूज़ कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ योर अपडेटेड और ओल्डर वर्जन। फंक्शनैलिटीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉम्सोल मल्टीफिजिक्स इज़ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस बेस्ड सॉल्वर एंड मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़्यादातर रिसर्चर्स या रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं एंड इट हैज़ मॉड्यूल्स फॉर आई थिंक ऑल द टेक्निकल ब्रांचेस। कॉम्सोल ओपन होते ही आपको ऐसे दो ऑप्शंस दिखेंगे, मॉडल विजार्ड एंड ब्लैंक मॉडल। मॉडल विजार्ड आपको स्पेस डायमेंशन, फिजिक्स एंड स्टडी टाइप ऐड करने में गाइड करेगा। ब्लैंक मॉडल पर अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट कॉम्सोल की मॉडलिंग विंडो ओपन हो जाएगी और ये स्पेस डायमेंशन, फिजिक्स, ये सब आपको आपके हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। फॉर नाउ लेट सिलेक्ट द मॉडल विजार्ड। अब आपको आपकी ज्योमेट्री के हिसाब से स्पेस डायमेंशन चूज करने हैं। सपोज आपकी ज्योमेट्री 3D है बट सिमेट्रिकल है, देन यू कैन यूज 2D एक्सिस सिमेट्रिकल ऑप्शन। दिस विल सेव योर सिम्युलेशन टाइम। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द फिजिक्स। यहाँ पे आप बहुत सारे फिजिक्स इंटरफेस देख सकते हैं। हर एक के अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हैं हर एक के पीछे का फिजिक्स एंड वे ऑफ सॉल्विंग बहुत अच्छे से दिया गया है। फॉर नाउ लेट सिलेक्ट द रेडियो फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द स्टडी टाइप। सपोज लेट सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टडी एंड देन डन। अब ये है हमारा मॉडलिंग विंडो। सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट सेट करने हैं। सपोज अभी के लिए हम ये लिस्ट में से मिलीमीटर सेट करते हैं और एंगल्स को डिग्री में ही रखते हैं। उसके बाद यूज करना है ज्योमेट्री। यहाँ पे राइट क्लिक करने से ये बॉक्स खुलेगा जहाँ सब ज्योमेट्री दी है। अगर आप ज़्यादा ज्योमेट्री देखना चाहते हो तो मोर प्रिमिटिव्स में है। अभी के लिए हम सिलेंडर सिलेक्ट करते हैं। सपोज उसका रेडियस है 100 मिलीमीटर एंड हाइट है 500 मिलीमीटर। अब इसका मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कॉम्सोल की बहुत बड़ी मटेरियल लाइब्रेरी अवेलेबल है। सपोज वी सिलेक्ट एयर एज अ मटेरियल, देन एयर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल की प्रॉपर्टीज दी हुई है। अगर आप इसमें से एक की भी वैल्यू नहीं रखते हो तो ये ग्रीन टिक चला जाएगा और इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, इसकी वजह से एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे आप ये वेव इक्वेशन देख सकते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मटेरियल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, परमिटिविटी और परमीएबिलिटी की वैल्यू देना ज़रूरी है। पे राइट क्लिक करने से ये बॉक्स के अंदर आपको दिखेंगे डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस एंड पोर्ट्स जो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करोगे। नेक्स्ट स्टेप है मैशिंग। मैश रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट एज अ सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, फिजिक्स कंट्रोल एंड यूजर कंट्रोल मैश। यूजर कंट्रोल के लिए आपको ऑपरेटिंग वेवलेंथ के हिसाब से मैश एलिमेंट सेट करने पड़ेंगे। ये ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। फिजिक्स कंट्रोल मैश यूज़ करते हैं। ये लिस्ट में मैश की क्वालिटी के हिसाब से ऑप्शंस दिए हैं। यू कैन सी मैश का शेप ट्रायंगुलर है, सो दिस इज टेट्राहेड्रॉन मैशिंग। नीचे ये बॉक्स में आप टोटल नंबर ऑफ मैश एंड क्वालिटी ऑफ मैश देख सकते हैं। मैशिंग के बाद स्टडी में जाके ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेट करना है। स्टडी पर राइट क्लिक करके आप पैरामेट्रिक स्वीप और ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। एक बार सिमुलेशन खत्म होने के बाद आप यहां से रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं आपको कॉम्सोल की एक और बहुत काम की चीज बताती हूँ। कॉम्सोल अलाउज यू टू बिल्ड द एप्लीकेशन ऑफ योर मॉडल। सो आपको हर बार सब फंक्शन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो बंदा ये सॉफ्टवेयर नहीं जानता वो भी अपने इनपुट्स देके डायरेक्टली सिम्युलेशन कर सकता है।
लास्ट में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ये सॉफ्टवेयर में नए हैं तो प्लीज़ आप कॉम्सोल का ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्सोल ज़रूर से पढ़िएगा। ये मॉड्यूल में छोटे से छोटी चीज़ भी बहुत इजी लैंग्वेज में समझाई गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक वीडियो था जो लोग कॉम्सोल स्टार्ट कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एग्जैक्ट एप्लीकेशन वाइज सिम्युलेशंस करके दिखाऊंगी। बाय बाय।